अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल रशीद फादरी डीना न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। जैसे कि जानते हैं कि आप, चेन्नई में बहुत बड़ा ही तूफान आ गया है। कल तक जो लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्या पता था कि रातों रात तूफान चेन्नई में एंटर हो जाएगा। आप सड़कों को देख सकते हैं कि जहां पे चहल पहल ज़्यादा हुआ करती थी, लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। जिस तरीके से बहाव पानी का इतना तेज़ है, आप देख सकते हैं कि गाड़ियां तक बह जा रही है, पानी जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। पिछले 18 घंटे से ज़ाहिद हो गया है, वहां पे लाइट जा चुकी है, लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये तूफ़ान आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा कर इसके तासुरात विशाखापट्टनम, बाईपटला, काकीनाड़ा और तमाम आंध्र के एरिया में इसके तासुरात देखे जा सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को रेस्क्यू कर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सड़कों पे पानी इतना भर गया है कि लॉरियां तक डूब जा रही हैं। आइए देखते हैं ये हमारी खुसूसी रिपोर्ट रशीद खादरी की चेन्नई से।